जालौन में रुपए लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खाकी वर्दी में एक व्यक्ति रुपए लेते दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो SDM माधवगढ़ के आवास का है, जहां पर मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रक छोड़ने को लेकर ये रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन रुपए देने के बाद भी उसके ट्रक नहीं छोड़े गए। इस मामले को लेकर अजीत शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र CO माधवगढ़ को दिया है। पीड़ित के अनुसार उसके 3 ट्रक को SDM माधवगढ़ ने रोका था। सभी कागजात पूरे होने के बावजूद ट्रक को छोड़ने के लिए रुपए की मांग की गई। पीड़ित के अनुसार उसने 1,00,000 रुपए और सोने की चेन अंगूठी दी, इसके बाद भी उसके ट्रक नहीं छोड़े गए। पीड़ित ने रुपए के लेन देन का वीडियो बनाया था, जिसमें SDM आवास के गेट के अंदर से एक वर्दीधारी आता है और पीड़ित द्वारा दिए गए रुपए ले लेता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर जालौन के जिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया और मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है, जिसमें ADM और ASP पूरे घटनाक्रम की जांच कर एक आख्या देंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे संज्ञान में इस तरह का बात आई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाई लेवल कमेटी ADM और ASP की गठित की है, कि वो उस पूरे प्रकरण में संबंधित जितने लोग हैं उनसे पूछताछ कर और वीडियो की सच्चाई के बारे में जो है अपनी एक जांच आख्या दे, ताकि उस पे जो है आगे कार्रवाई हम कर सकें। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए जालौन से RK पाटकार की रिपोर्ट।